So, 6th class, today we will discuss exercise 5.2. The first topic in 5.2 is curve. Curve क्या होता है बेटा? अगर हम simple life में देखें तो curve को बोलते हैं, which is not straight. जो straight नहीं होता बेटा उसको curve बोलते हैं, पर in mathematics जो curve है वो straight भी हो सकते हैं, ठीक है? तो जैसे कि ये देखिए, ये भी एक curve है. अगर मैं ऐसे 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 करके बना दूं तो ये भी एक curve है. ठीक है, तो जो मैथ में यूज होती है कर्व का मतलब होगा कि बस एक हमारे पास फिगर को, यानी कि कर्व बोलते हैं. इट कैन बी स्ट्रेट, ठीक है, इट कैन बी विदाउट स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी मेड विदाउट स्ट्रेट लाइन. ये बिना स्ट्रेट लाइन्स के भी हो सकती है, ये स्ट्रेट लाइन की हेल्प से भी बन सकता है, इसको कर्व बोलते हैं. ठीक है, कई कर्व तो एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं और कई कर्व है जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, तो इन सभी को ही कर्व बोलते हैं बेटा. ठीक है, तो हम मैथ में चाहे कोई चीज स्ट्रेट लाइंस की हेल्प से बनी हो उसको भी हम कर्व बोल सकते हैं. ओके, जैसे हम इसको भी एक कर्व बोल देंगे, ये भी एक कर्व है. ठीक है, ये भी एक कर्व है, और आप कोई भी ले लें, जैसे ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है. ठीक है, इसको भी हम कर्व बोलते हैं, इसको भी हम कर्व बोलते हैं, अगर ऐसे बन जाए इसको भी हम कर्व बोलते हैं. ठीक, तो कर्व्स इन सभी को क्या बोलते हैं? कर्व. बट आम डेली लाइफ में हम ये कह देते हैं कि कर्व विच इज नॉट स्ट्रेट, बट मैथ में स्ट्रेट को भी कर्व बोलते हैं. ठीक है, तो उस कर्व का नाम, बस ज्यादातर क्या हो जाता है कि जो कर्व हमारे पास स्ट्रेट होता है उस कर्व का नाम स्ट्रेट लाइंस की हेल्प से बनता है, उस कर्व का नाम आगे जाके पॉलीगन हो जाता है. बट ये स्ट्रेट लाइन की हेल्प से या विदाउट स्ट्रेट लाइन की हेल्प से कोई भी फिगर होती है उसको कर्व बोलते हैं. आ जाता है क्लोज्ड कर्व एंड ओपन कर्व. क्लोज्ड कर्व क्या होता है बेटा? जो जहां से, जिस पॉइंट से हम शुरू करते हैं कहीं ना कहीं घूम घाम के, फिर हम उसी पॉइंट पे आके खत्म कर देते हैं, तो वो क्लोज्ड कर्व होते हैं. ओपन कर्व क्या होते हैं बेटा? जहां से हम शुरू करते हैं और उसका एंड पॉइंट कुछ अलग होता है. ठीक है, जैसे ये क्या हो गया हमारा? ओपन कर्व हो गया, क्योंकि इसका क्लोजिंग एंड एंड पॉइंट अलग हो गया. ओपन का मतलब जो खुला होता है, जिसका मुंह खुला होता है. क्लोज का मतलब जो कहीं सारी तरफ से बंद हो जाता है. बंद तो ही होगा ना, जगह हमारा स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम होगा, तो ये होगा हमारा ओपन कर्व. जैसे आप कुछ भी कह सकते हैं, ये सारे क्या है, ये क्योंकि यहाँ पर जाने का रास्ता, बाहर जाने का रास्ता है, तो वो क्या है? ओपन. क्लोज का मतलब बिल्कुल वो इस तरह से कहीं ना कहीं जाके क्लोज हो जाएगा. ठीक है, उसको क्लोज्ड कर्व बोलते हैं. पोजीशन इन अ क्लोज कर्व. पोजीशन क्या होती है बेटा? एक कर्व में, मान लीजिए मैं कोई भी कर्व बना देती हूँ ऐसे ऐसे करके. ठीक है, ये कर्व बना दिया मैंने. अब इसमें कुछ पॉइंट्स की पोजीशन है, जितने भी पॉइंट इसके अंदर होंगे बेटा, मान लीजिए मैं इनको ए बी सी डी नाम दे देती हूँ, तो ये इनसाइड होंगे, ये इसके अंदर होंगे, इंटीरियर में होंगे. ठीक है, इसको जो ए बी सी डी है, पॉइंट ए बी सी डी है, वो इनसाइड में होंगे, तो ये पोजीशन होगी इन पॉइंट्स की. आउटसाइड का मतलब क्या है? कि जो यहां पर होंगे, जो इस कर्व से बाहर होंगे, जैसे ई एफ जी, तो ये सारे क्या होंगे बेटे? आउटसाइड ऑफ द कर्व होंगे. ठीक है, ऑन द कर्व का मतलब क्या होता है बेटा? जो इस कर्व की बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर होंगे. जैसे यहां पर मान लीजिए मैं इसको पी क्यू और आर बोल देती हूँ, तो जो पी क्यू आर है, पॉइंट पी है, पॉइंट क्यू है, पॉइंट आर है, वो ऑन द कर्व होंगे. ठीक है, आउटसाइड का मतलब कर्व से बाहर, इनसाइड अंदर, और ऑन द कर्व होते हैं, ये पोजीशन होती है. रीजन किसे कहते हैं बेटा? मान लीजिए मैं ये कोई कर्व बना देती हूँ, ठीक है, जो इसके अंदर वाला पूरा एरिया होगा और जो इसकी बाउंड्री भी, ये सारी बाउंड्री, पूरी बाउंड्री के साथ और ये अंदर वाला एरिया है, टोटल चीज को हम क्या बोलते हैं? रीजन बोलते हैं. इसमें बाउंड्री भी इंक्लूड होती है, इंटीरियर भी इंक्लूड होता है, इसको रीजन बोलते हैं. पॉलीगन्स क्या होते हैं बेटे? पॉलीगन्स क्या होता है? पॉलीगन वो वाली फिगर होती है जो स्ट्रेट लाइंस की हेल्प से बनती है. देखिए मैं जैसे ये ड्रा कर देती हूँ, ये सारी क्या है? स्ट्रेट लाइंस, लाइने. स्ट्रेट लाइन की हेल्प से एक क्लोज्ड फिगर होनी भी, वो बंद होनी चाहिए, कहीं से ओपन नहीं होनी चाहिए, उसको पॉलीगन बोलते हैं. जैसे बेटा ये देखिए, ये भी सभी स्ट्रेट लाइन की हेल्प से और क्लोज्ड भी है, तो ये भी पॉलीगन है. ये भी देखिए, ये मैंने फोर साइड्स की हेल्प से बना दिया, ये भी पॉलीगन है. ठीक है, आप कोई और भी ड्रा कर सकते हैं,
ये भी एक पॉलीगन है। तो पॉलीगन क्या होता है, जो कि स्ट्रेट लाइन की हेल्प से बनता है, एक ऐसी फिगर और वो क्लोज्ड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीगन बोलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं बेटा कि एक पॉलीगन में साइड्स क्या होते हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं, डायगनल्स क्या होते हैं। ठीक है, एक पॉलीगन में मान लीजिए मैंने एक ये पॉलीगन ड्रॉ कर लिया। पॉलीगन का मतलब विच मेड विद द हेल्प ऑफ लाइंस, ये मैंने एक पॉलीगन ड्रा कर लिया। अब इसमें साइड्स कौन सी हैं, साइड्स होता है वो वाली लाइंस जिसकी हेल्प से एक पॉलीगन बनता है। साइड का मतलब ये साइड, ये भी एक साइड है। स्ट्रेट लाइन, जितनी भी स्ट्रेट लाइन्स हैं वो उस पॉलीगन्स की क्या होती हैं बेटा, साइड्स होती हैं। ठीक है, ये बी सी, ये डी सी, ये सारी क्या हैं, तो आप कह सकते हैं कि डी ई, ठीक है, ई ए, ठीक है, डी ई, ई ए, बी बी सी, सी डी, ये सारी क्या हैं, इस पॉलीगन की क्या हैं बेटा, साइड्स हैं। ठीक है, ये सारी क्या होती हैं, साइड्स होती हैं। वर्टिसेस, उसके बाद क्या आ जाता है, वर्टिसेस, ये जो पॉइंट जहां पर दो साइड्स आपस में मिलती हैं, जैसे ये साइड और ये साइड आपस में यहां पर मिलती है ना, जितने भी आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं जहां पर दो लाइनें आपस में मिल रही हैं, लाइन लाइन सेगमेंट्स मिल रहे हैं, तो उसको वर्टिसेस बोलते हैं। बिंदु, पॉइंट्स, जिसको ए वर्टिसेस वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स है, डी को भी वर्टेक्स बोलते हैं, ई को भी वर्टेक्स बोलते हैं, जहां पर दो लाइनें आपस में ज्वाइन करती हैं, टू लाइंस का एक कॉमन पॉइंट होता है, उसको वर्टेक्स बोलते हैं। उन सभी को इकट्ठा बोलेंगे तो वर्टिसेस बोलते हैं, सिंगल की बात करेंगे तो उसको वर्टेक्स बोलते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि एडजेसेंट साइड्स, ये वाली हैं एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट का क्या मतलब होता है, साथ वाली साइड्स। जैसे एडजेसेंट का मतलब, जिसको हम पड़ोसी भी बोल दें, नेबरिंग भी बोल सकते हैं, जैसे ये देखिए इस वाली के साथ की बिल्कुल साथ वाली साइड कौन सी है, ये वाली, तो हम कह सकते हैं ए ई एंड ई डी आर एडजेसेंट साइड्स। ये है डी सी, डी सी और डी ई भी एडजेसेंट साइड्स हैं। पर अगर हम बात करें ई डी, ये वाली ई डी है और ये ए बी है, ये तो काफी दूर दूर है ना साइड्स, ठीक है, तो ये एडजेसेंट साइड्स नहीं है। जो पास पास होती हैं, बिल्कुल जिनमें एक पॉइंट कॉमन आएगा, जैसे ए ई एंड ई डी आर एडजेसेंट साइड, इसकी एडजेसेंट ये है, अगर इसकी साइड करें तो ये वाली इसकी एडजेसेंट साइड है, इसको एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है एडजेसेंट वर्टिसेस। एडजेसेंट वर्टिसेस मतलब जो पास पास होते हैं, जैसे ए का एडजेसेंट वर्टेक्स बी है, जो बिल्कुल साथ साथ हैं, ए का एडजेसेंट बी भी है, ए का एडजेसेंट वर्टेक्स ई भी है। ठीक है, बिंदु जो आपस में बिल्कुल पास पास हैं, बट ए और ये जो डी है ये एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि ये इनके बीच में ई आ गई, ये आपस में काफी दूरी पर हैं, तो ये एडजेसेंट नहीं है। ठीक है, एडजेसेंट का मतलब पास पास वाले, यानी कि उसके नेक्स्ट में ही पड़ा हो, तो उसको एडजेसेंट वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, आगे है बेटा डायगनल्स। डायगनल्स क्या होते हैं, डायगनल्स बोलते हैं जब हम किसी भी पेयर वर्टिसेस के पेयर को ज्वाइन करते हैं जो कि एडजेसेंट नहीं होते, वो डायगनल्स बना देते हैं। जैसे ये देखिए, अब ये वाले वर्टेक्स है ए ई एंड डी वर्टेक्स है ना, अब इनमें से ए और ई तो आपस में एडजेसेंट है, नेबर में है, पड़ोस में है, ये नहीं, जो आपस में वर्टेक्स एडजेसेंट नहीं है, जैसे ए और डी एडजेसेंट नहीं है, इन दोनों को अगर हम ये ऐसे करके मिला देंगे तो ये इस पॉलीगन का एक डायगनल बन गया। ए और ई को मिलाएंगे भी कैसे, ये तो एक साइड ही बनेंगे, इनको तो मिला भी नहीं सकते है ना, इनसे तो पॉलीगन की एक स्ट्रेट लाइन साइड बनती है। तो हम कहेंगे डायगनल किसको बोलते हैं बेटा, जब हम एडजेसेंट नहीं है जो वर्टेक्स उनको आपस में मिला देते हैं तो हमारे पास डायगनल आ जाते हैं। जैसे ए से बी को मिलाया, ये डायगनल है, ए को सी से मिला दिया तो ए सी एक डायगनल बन गया, बी ई एक डायगनल बन गया, ठीक है, डी बी भी एक डायगनल बन गया। ठीक है, तो ये सारे क्या बन गए हैं, हमारे पास डायगनल्स बन गए हैं। ओके, सी ई बी, ये देखिए सी ई बी एक क्या बन गया, डायगनल बन गया, क्योंकि ये बिल्कुल दूर दूर वाले वर्टेक्स जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो उनको डायगनल्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब इसी से रिलेटेड ही आपकी जो है 5.2 है बेटा, देखिए 5.2